हाय दोस्तों, T4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप हगो एप्लीकेशन के आईडी या अकाउंट को आप परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप सीखेंगे, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सीख लेते हैं हगो एप्लीकेशन में अकाउंट को कैसे डिलीट किया जाता है। तो हगो एप्लीकेशन में अकाउंट डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको हगो एप्लीकेशन आपको ओपन करना है। जैसे दोस्तों आप अपने हगो एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का शुरू में आपको इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। आपको अकाउंट डिलीट करने के लिए यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अभी आप होम पेज में हैं, देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जहाँ पे ये मैं ग्रीन सर्कल घुमा रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। अब आपको इस तरीके का जब आपको पेज खुलता है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है हेल्थ सेंटर, और जस्ट उसके आपको सेटिंग्स का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट डिलीट करने का कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप प्राइवेसी में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको अकाउंट डिलीट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अब हम अकाउंट डिलीट कैसे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइन आउट करने का आपको ऑप्शन मिलता है। तो हम सेटिंग से बैक आएंगे और उसके बाद हेल्प एंड सेंटर में जाएंगे। जैसे ही आप हेल्प एंड सेंटर का ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पेज खुलता है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो लिखा हुआ है इसमें अब आपको क्लिक करना है अकाउंट में। तो जैसे ही आप अकाउंट में क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू डिलीट अ हगो अकाउंट, यानी कि हगो अकाउंट के आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे हाउ टू डिलीट हगो अकाउंट, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि सॉरी हगो डज नॉट सपोर्ट सच एज अ फंक्शन ऑफ डिलीटिंग अकाउंट, इफ़ यू डू नॉट यूज़ दिस अकाउंट एनी मोर वी सजेस्ट यू डिलीट योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। यानी कि हगो आपको अकाउंट डिलीट करने की इजाज़त नहीं देता है, आपको क्या करना है इसके प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल ओपन करिएगा और यहाँ पे जो आपका नाम लिखा हुआ है इसको आप नाम को जो आपका सही नाम है इसको आपको चेंज कर देना है। यानी कि आपको जो भी नाम है इसको जैसे कि मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है रमेश, तो इसको हम चेंज करेंगे और इसको हम चेंज करके कुछ भी यहाँ पर एक्स वाई ज़ेड या अपना कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं जिससे कि आपका नाम ना रहे। उसके बाद आपको टिक मार्क करना है, उसके बाद नीचे जाना है। नीचे आपका बर्थडे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको क्या क्लिक करके इसका आपको बर्थडे चेंज कर देना है जिससे कि आपका इन्फॉर्मेशन किसी और के पास ना जाए और ये खुद ब खुद अकाउंट फिर आपका बाद में डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप चेंज करिए। यहाँ पर जेंडर में तो जो है वही रहने दीजिए, और प्रोफेशन जो है यहाँ पर अगर आपने प्रोफेशन में कुछ डाला है तो उसको भी आप डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे होम टाउन लिखा हुआ है, इसमें अगर आपने कुछ डाला है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। या फिर अब आपको फ़ोटो सेंड करना है तो यहाँ पे जो फ़ोटो आपने लगाया है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे प्लस के आइकन के ऊपर। यहाँ पे आपको गैलरी से चूज करना है या टेक अ फ़ोटो, जो आप चाहें आप सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर का ऑप्शन आता है, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जो भी फ़ोटो आपका सेट है अगर आप चाहते हैं उसको निकाल करके दूसरा फ़ोटो यहाँ पे लगाना, तो यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे फ़ोटो को लगा देता हूँ। ये फ़ोटो मैंने ले लिया है और यहाँ पे चूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये हमारा फ़ोटो यहाँ से हट जाएगा यानी कि डिलीट हो जाएगा और ये हमारा दूसरा फ़ोटो यहाँ पर चेंज हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आपको ऊपर जो राइट टिक है यहाँ पे टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो पूरी तरीके से बदल चुका है और आपको अब चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हगो एप्लीकेशन आपका अकाउंट अब आपका डिलीट हो जाएगा। अब फिर आपको सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर क्लियर कैचेस का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर क्लियर कैच में क्लिक करेंगे और यहाँ पर येस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका सारा डेटा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे एक साइन आउट का ऑप्शन आता है, उसमें भी आप क्लिक करिए और यहाँ से आप साइन आउट हो जाइए। अब यहाँ पे एक महीने तक आपको लॉगिन नहीं करना है और आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन जरूर दबाइएगा।